हमारा जो मध्यम वर्गीय परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार को क्वालिटी ऑफ लाइफ वो स्वाभाविक उसकी अपेक्षा रहती है, वो देश के लिए बहुत देता है, तो देश का भी दायित्व है कि उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे जो उसकी अपेक्षाएं हैं, सरकार की कठिनाइयों से मुक्ति की उसकी जो अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। और मैंने तो सपना देखा है कि 2047 जब विकसित भारत का सपना होगा तो उसकी एक इकाई ये भी होगी कि सामान्य मानव के जीवन में सरकार की दखलें कम हो, जहां सरकार की जरूरत हो वहां अभाव न हो और जहां सरकार की बेकारण प्रभाव भी न हो, इस प्रकार की व्यवस्था पर हम प्रतिबद्धित हैं। लोगों के जीवन में सरकार की दखल कम हो उस दिशा में हमने हजारों कंप्लायंसेज के लिए सरकार सामान्य मानवीय पर बोझ डालती थी, उन सारे कंप्लायंसेज को दूर किया। हमने देशवासियों के लिए 1,500 से ज्यादा कानूनों को खत्म कर दिया ताकि कानूनों की जंजाल के अंदर देशवासियों को फंसना न पड़े। हमने छोटी छोटी गलतियों के कारण ऐसे कानून बने थे उनको जेल में अंदर धकेल दिया जाए, हमने उन छोटे छोटे कारणों से जेल जाने के जो परंपराएं थी उन सारे कानूनों को नष्ट कर दिया और उसको कानूनों को जेल भेजने के प्रावधान को व्यवस्था से बाहर कर दिया है। आज हमने जो आजादी की विरासत के गर्व की बात हम जो करते हैं, सदियों से हमारे पास जो क्रिमिनल लॉ थे आज हमने उसको नए क्रिमिनल लॉ जिसको हमने न्याय संहिता के रूप में और जिसके मूल में दंड नहीं पर नागरिक को न्याय, इस भाव को हमने प्रबल बनाया है।